बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दिस इज़ डे टू। आज हम कुछ नई चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं और प्रॉपरली हम अपने जो बूट कैंप के जो कंटेंट्स हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज की डिस्कशन का जो टॉपिक है दैट इज़ डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस। जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है कि जो डेवऑप्स है वो भी कुछ इन्हीं अल्फाज से मिलकर बना हुआ है। तो लेकिन इससे पहले कि हम डेवऑप्स को प्रॉपरली अभी डिस्कस करें या ऑफिशियली डिस्कस करें, हम ये जो दो टर्मिनोलॉजीज हैं जिसमें जिसका नाम है डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस, जरा इनको आज डिटेल में जिक्र करेंगे कि इनके अंदर कैसे क्या कौन कौन से काम हैं जो कि बिलोंग करते हैं डेवलपमेंट से और कौन से ऐसे काम हैं जो कि बिलोंग करते हैं ऑपरेशन से। तो जो आप ऑलरेडी जानते हैं कि दिस इज असद अली और हम इस बूट कैंप को प्रॉपरली रन कर रहे हैं। तो चलें आगे हम मूव करते हैं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो कि अराइज होता है दैट इज व्हाट इज डेवलपमेंट। तो हम सबसे पहले इसको इसके आंसर को ढूंढने की कोशिश करेंगे और फिर हम इससे रिलेटेड मजीद कुछ डिटेल में बातें करेंगे। ये चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं लेकिन जस्ट फॉर रेफरेंस और ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको डिस्कस करेंगे, ताकि अगर किसी किस्म की कंफ्यूजन वगैरह है या कोई ऐसा बंदा जिसको इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पता तो एटलीस्ट वो हमारे एक ग्राउंड लेवल पर आ जाए, ताकि इससे आगे डेवऑप्स इन चीज़ों को कैसे हैंडल करता है और कैसे हेल्प करता है वो हमारे लिए डिस्कस करना आसान हो जाए। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज डेवलप। तो एक्चुअली डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर सोल्यूशन टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। नॉर्मली आपने देखा है कि अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड बात करें तो हमें सबसे पहले एक प्रॉब्लम दिया जाता है, जिस तरह आपने यूनिवर्सिटीज के अंदर डिफरेंट टर्म प्रोजेक्ट्स किए होंगे, और इसी तरह अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट चूज किया होगा, या अगर आप ग्रेजुएट्स हैं तो आपने कंपनीज के अंदर जिस तरह ज्वाइन किया हुआ है तो आपको कोई क्लाइंट आता है और वो आपके कहता है कि मेरा ये एक प्रॉब्लम है और मैं इसका एक सोल्यूशन चाह रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम उसके लिए उस सोल्यूशन को सबसे पहले तो नॉर्मली हम डिज़ाइन करते हैं। अब वो डिज़ाइनिंग में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं कि किस तरह की डिज़ाइनिंग करनी है। एक तो उसका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की बात करते हैं और प्लस दूसरा उसके यूजर इंटरफेसेस की डिज़ाइनिंग की बात करते हैं। तो ये डिज़ाइनिंग और फिर उनको क्रिएट करना, प्रॉपरली लेट्स से उसको डेवलप करना और फिर उसको प्रॉपर बिल्ड करना ताकि वो रनेबल हो, यानी कि एग्जीक्यूटेबल हो, वो किसी सर्वर पे किसी मशीन पे एग्जीक्यूट हो सके। तो ये सारे खास करके जो तीन ऐसे काम हैं ये जब हम कर रहे होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तो हम कहते हैं कि वी आर डूइंग डेवलपमेंट। और इसके अंदर अगर आप डिटेल में मजीद देखेंगे तो इट इन्वॉल्व्स कोडिंग, इम्प्लीमेंटिंग फंक्शनैलिटीज एंड क्रिएटिंग अ फंक्शनल एंड यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन। तो ये मेजरली हम डेवलपमेंट के अंदर ये वाले काम कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जब हम कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं तो नॉर्मली आपने देखा होगा जो डेवलपर्स होते हैं या डेवलपमेंट की टाइप्स होती हैं वो थोड़ी दो तीन टाइप्स होती हैं जिनको हम जरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो टाइप है डेवलपमेंट की वो है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, जिसमें हमारा फोकस यूजर इंटरफेसेस डिज़ाइन करना होता है और यूजर एक्सपीरियंस को बेटर करना होता है। तो मेनली जो फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि जो नॉर्मली मार्केट में जो जॉब पोस्टिंग्स होती हैं उनमें कुछ लोग डेडिकेटेडली ये रिक्वायर करते हैं कि हमें फ्रंट एंड डेवलपर्स चाहिए जो कि यूजर इंटरफेसेस और यूजर एक्सपीरियंस को डेवलप करने में अच्छी महारत रखते हों और उन्हें उससे रिलेटेड जो टूल्स हैं वो आते हैं। इसमें जो टेक्नोलॉजीज नॉर्मली इन्वॉल्व होती हैं बहुत बेसिक वाली मैंने जिस तरह मेंशन की है कि HTML है, CSS है, JavaScript है, ये तो बहुत ही बेसिक है, और इसी तरह रिएक्ट वगैरह के जो डेवलपर्स हैं वो नॉर्मली उनको चाहिए होते हैं, कंपनीज को चाहिए होते हैं। तो ये इनका मेन जो फोकस है दैट इज रिलेटेड टू फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अच्छा, जो दूसरी टाइप के हमारे डेवलपमेंट स्ट्रेटजी होती है वो है बैक एंड डेवलपमेंट। तो बैक एंड डेवलपमेंट के अंदर हम नॉर्मली जो लॉजिक्स हैं, जो मेन बिजनेस लॉजिक्स हैं, जो कि एक्चुअल लॉजिक है जो यूजर इंटरफेसेस के बिहाइंड द सीन काम करती है, हम उनको
इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए जो टूल एंड टेक्नोलॉजीज हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह डेटा बेसिस वगैरह हैं, डेटा बेस को मैनेज करना हो उसके लिए हम डेटा बेसिस का इस्तेमाल करते हैं। देर आर डिफरेंट डेटा बेसिस, उसमें कुछ रिलेशनल डेटा बेसिस हैं, कुछ आपके नॉन रिलेशनल डेटा बेसिस हैं जिसको नॉर्मली नो एसक्यूएल डेटा बेसिस कहते हैं। तो आपने इन इन डिफरेंट डेटा बेसिस को यूज़ भी किया होगा, तो जो बैक एंड डेवलपर्स होते हैं उनका यही ताल्लुक होता है कि वो डेटा बेसिस में डेटा मैनेज कैसे करना है, डेटा बेस तक डेटा लेकर कैसे जाना है, उसको प्रोसेस कैसे करना है, अगर उस पर किसी तरह के फिल्टर्स वगैरह अप्लाई करने हैं वो कैसे परफॉर्म करना है, ये सारी जो बिजनेस लॉजिक है ये बैक एंड डेवलपर्स परफॉर्म करते हैं। और अगर अक्सर आपने देखा होगा जो आपकी बैक एंड डेवलपर्स हैं जो मेन लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं वो एपीआई की फॉर्म में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो आपकी लेट से 80 to 90% आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें जो आपकी बैक एंड लॉजिक है वो एपीआई के अंदर इम्प्लीमेंट की जाती है। वो क्यों की जाती है, उसके अपने फ़ायदे हैं, ताकि वो डिफरेंट जो मोबाइल जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिस तरह हमारे पास वेब प्लेटफॉर्म है, मोबाइल प्लेटफॉर्म है, टैबलेट्स है या आपकी स्मार्ट वॉचेस वगैरह हैं, तो उनके अंदर अगर आपने उनके लिए एज ए फ्रंट एंड आप एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो बैक एंड पे आप सेम लॉजिक रखना चाहते हैं, तो उन एपीआईज का ये यही फायदा है कि वो आप इजीली किसी भी फ्रंट एंड एप्लीकेशन के साथ या प्लेटफॉर्म के साथ उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं या उसके साथ अटैच कर सकते हैं, तो ये सबसे बड़ा उसका एडवांटेज है। इसी तरह जो बैक एंड डेवलपर्स हैं उनका एक काम ये भी होता है कि या उनका फोकस ये भी होता है कि जो यूजर इंटरफेसिस होते हैं, यूआईज होती हैं, उसको बैक एंड एपीआई से कनेक्ट करवाना, ताकि जो नॉर्मल यूज़र है वो तो यूज़र इंटरफेस को इस्तेमाल करता है ताकि बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, लेकिन जाहिर है डेटा बेस तक डेटा पहुंचाने के लिए पीछे एपीआई का कॉल होना ज़रूरी है। तो जो जो यूज़र इंटरफेसेस हैं उनके पीछे किस तरह एपीआई को एडजस्ट करना है, ये सारा फोकस बैक एंड डेवलपर का होता है। उसके लिए वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें पाइथन है, जावा है, रूबी है, पीएचपी है, नोड जेएस है, जेंगो वगैरह बहुत सारी और टेक्नोलॉजीज हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो बैकएंड डेवलपर्स हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं या यूज कर रहे होते हैं। जो तीसरी टाइप है फुल दैट इज नोन एज फुल स्टैक डेवलपर, इसमें हमारे जो पहली दो टाइप्स हैं उनको ये उनको भी कवर करता है कि फ्रंट एंड एंड एज वेल एज जो बैकएंड डेवलपर है ये दोनों चीजों पे फोकस कर रहे होते हैं, सिर्फ फ्रंट एंड पे काम नहीं करते, ये फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड इन दोनों चीजों पे काम करते हैं और दोनों के एक्सपर्ट्स होते हैं, और इनका जो पर्पज होता है वो डिजाइनिंग यूजर इंटरफेसेस टू मैनेजिंग सर्वर एपीआई, कि इनका एक्चुअल काम यही है कि इन्होंने फ्रंट एंड भी डेवलप करना है और जो बैक एंड की फंक्शनैलिटीज हैं या एपीएस डेवलप करनी है वो भी डेवलप करनी है, और फिर उनके दरमियान जो इंटरेक्शन है वो सारा परफॉर्म करना है। और ये लोग भी डिफरेंट टूल एंड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे होंगे, और जाहिर है ये जो लोग फुल स्टैक डेवलपर्स हैं ये वो टेक्नोलॉजीज भी इस्तेमाल करेंगे जो फ्रंट एंड डेवलपर्स करते हैं, और वो फ्रेमवर्क्स या टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो बैक एंड डेवलपर्स भी करते हैं। तो इसमें बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, आपको पता है लारावेल है, जेंगो है जो बैकएंड वगैरह के लिए लोग यूज करते हैं, फ्रंट एंड के लिए आपके रिएक्ट है, एंगुलर वगैरह है, और व्यू वगैरह व्यू जीएस जो है उसको भी अक्सर लोग यूज करते हैं। तो मेनली असल में ये तीन ऐसी टाइप्स हैं जो जिनका ताल्लुक डेवलपमेंट से है, और इसमें अगर हम नॉर्मली फोकस करें तो हमारा ज़्यादा एम्फेसिस इस पे हो रहा है कि हम वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो तीनों टाइप्स के हमने तीनों टाइप्स की डेवलपमेंट्स की बात की है इनका ताल्लुक सिर्फ वेब से है। जो लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशंस पे काम करते हैं या आईओएस एप्लीकेशंस के लिए पे काम करते हैं, ऑफ कोर्स वो भी यूजर इंटरफेसेस बना रहे होते हैं, तो उनका भी कुछ फोकस जो अगर वो सिर्फ फ्रंट एंड डेवलप कर रहे हैं तो वो फ्रंट एंड डेवलपर्स कहलाएंगे, और अगर उसके बिहाइंड द सीन वो डिफरेंट एपीआईज डेवलप कर रहे हैं और उनके दरमियान लॉजिक वगैरह मेंटेन कर रहे हैं तो वो भी फुल स्टैक डेवलपर की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो इसलिए इसका मतलब है कि जो ये डेवलपमेंट टाइप्स हैं ये जितने भी टाइप्स हैं ये एक ब्रॉड कैटेगरी है जिसमें सिर्फ आपके वेब डेवलपर्स नहीं, एंड्रॉयड डेवलपर्स या और जो इसके अलावा आपके ब्लॉकचेन डेवलपर्स हैं और इसके अलावा और भी एआई वगैरह पे काम जो करते हैं वो सारे इसी के अंदर आ रहे हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि जो नॉर्मली डेवलपर्स हैं इनका एक्चुअली रोल क्या होता है, कि ये हमने डिफरेंट टाइप्स की बात तो कर ली, अब हम ये देखते हैं कि नॉर्मली जो एक डेवलपर है वो किसी भी चीज़ का डेवलपर है उसका मेन रोल क्या होता है। तो सबसे पहला रोल तो हमें पता है कि जो भी डिवेलपर है उसने हमेशा कोडिंग करनी है, इम्प्लीमेंटेशन करनी है,
आपकी जो एप्लीकेशन है उसके लिए कोड लिखना है, चाहे वो मोबाइल ऐप है, चाहे वो वेब एप्लीकेशन या वो ब्लॉकचेन एप्लीकेशन, तो हर तरह की एप्लीकेशन के लिए वो कोड लिखेगा। जो सेकंड उसका रोल है वो नॉर्मली है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अब अगर आप देखें तो जब भी कोई बंदा एप्लीकेशन बनवाना चाहता है या एक क्लाइंट एप्लीकेशन चाहता है कि कोई मेरे लिए या कोई डेवलपर बना दे, तो सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट्स वगैरह देता है। तो उन रिक्वायरमेंट्स को वो डिस्क्राइब करता है कि अच्छा मुझे ये इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें ये सेट ऑफ फीचर्स हों, जिसमें मैं ये कर सकूं, जिसमें मैं कुछ इस तरह की एक्टिविटीज कर सकूं, लेट्स से पेमेंट वगैरह कर सकूं, मैंने कोई अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है तो मैं उनको प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकूं, ऑनलाइन अगर किसी ने ऑर्डर करना है तो वो ऑर्डर कर ले। तो ये सारी एक्टिविटीज एक क्लाइंट जो है वो प्रोवाइड करता है। तो जो हमारा डिवेलपर है वो फिर इन सारी चीज़ों को, इन रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करता है, देखता है और फिर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अपनी यूज़ करते हुए उन रिक्वायरमेंट्स को जो कि एक वर्बली उसने डिस्क्राइब की होती है यूज़र ने या के रिटन फॉर्म में दी होती हैं, उनको एनालाइज करने के बाद वो इस बात को इंश्योर करता है कि उसको हम कोड की फॉर्म में या इम्प्लीमेंटेशन की फॉर्म में यूज़ कर सकें। उसके बाद हमारा जो थर्ड रोल है उसका वो है कोलेबोरेशन। हमारा जो डेवलपर है वो नॉर्मली कोलेबोरेशन परफॉर्म करता है, और वो कोलेबोरेशन किससे करता है? अब ये कोलेबोरेशन का जो वर्ड है ये बड़ा ब्रॉड सा वर्ड है। सबसे पहला तो कोलेबोरेशन एक डेवलपर, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिस तरह वो आपके जो डेवलपर्स हैं उनको डायरेक्ट कर देते हैं अपने क्लाइंट के साथ, ताकि अगर किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट्स वगैरह या कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस करनी हो तो वो डायरेक्ट क्लाइंट के साथ कोलेबोरेट कर सके। तो पहली कोलेबोरेशन तो उस क्लाइंट के साथ हो सकती है जो एप्लीकेशन बनवाना चाह रहा है। दूसरी कोलेबोरेशन उनके साथ होती है, लेट्स से जो आपकी डिफरेंट और टीम्स काम कर रही होती हैं कंपनीज के अंदर, मसलन आप एज ए डिवेलपर काम कर रहे हैं तो एप्लीकेशन डिवेलप करने के बाद आपकी क्वालिटी एश्योरेंस की एक टीम हो सकती है जो कि आपकी एप्लीकेशन को टेस्ट करेगी फॉर डिफरेंट चीज़ों के लिए, कि आपकी एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटीज प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, उस पर लोड अगर कोई लोड टेस्टिंग करनी है वो कर रहे होंगे, इस तरह की सिक्योरिटी वगैरह की टेस्टिंग करनी है तो वो भी परफॉर्म कर रहे होंगे। तो अब आपके जो डेवलपर को डिफरेंट टीम से कोलेबोरेट करना पड़ रहा होगा, जिसमें क्वालिटी, जिस तरह हमने क्यूए की बात की है, सिक्योरिटी पर्सन की बात हो सकती है, और इसी तरह अगर उसने एप्लीकेशन बनाने के बाद वो सक्सेसफुली तमाम टेस्ट से पास हो गई है तो अब उसके वो जाहिर है चाहेगा कि इसको पब्लिश कर दिया जाए या इसको डिप्लॉय कर दिया जाए, तो फिर ऑपरेशंस वाली जो टीम है उससे भी कोलेबोरेट करना पड़ता है। तो ये एक डेवलपर का नॉर्मली रोल होता है कि वो मल्टीपल लोगों से और मल्टीपल टीम से कोलेबोरेट कर सकता है और नॉर्मली कर रहे होते हैं। इसी तरह जो डेवलपर होता है वो खुद से आपकी अपनी जो एप्लीकेशन है उनको टेस्ट भी करता है और उनकी डिबगिंग वगैरह भी कर रहा होता है, ताकि अगर किसी किस्म के एरर्स हैं जो कि वो अपने लेवल पे रिजॉल्व कर सकता है तो वो परफॉर्म कर सके। अब जिस तरह इसमें यहाँ जो टेस्टिंग की बात हो रही है ये नॉर्मली यूनिट टेस्टिंग की बात होती है कि लेट से उसने कुछ सेट ऑफ फंक्शन और कुछ सेट ऑफ क्लासेस वगैरह कुछ डेवलप किए हैं, कुछ सेट ऑफ मॉड्यूल्स वगैरह डेवलप कर लिए हैं, तो अब वो ये चाहता है कि जो मैंने ये छोटे सेट ऑफ मॉड्यूल या फंक्शंस मैंने डेवलप किए हैं अब मैं ये चेक कर सकूं कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो हम उस केस में यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको डीबग करके हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी एक रोल है आपके डेवलपर का। तो नॉर्मली एक जो तीसरा जो आखिरी रोल जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू डॉक्यूमेंटेशन, कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप एज ए डेवलपर कोड लिख देंगे, एप्लीकेशन बन गई है, वो सक्सेसफुली चल भी रही है और फिर दैट इज ओके, तो ऐसा नहीं होता। जब आप प्रॉपरली एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो आप उसको डॉक्यूमेंट भी करते हैं। अब उस डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आपने जो कोड की डॉक्यूमेंटेशन करनी है कि कोड जो आपने लिखा है उसको आप प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करें, क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशन समटाइम चेंज कर लेते हैं, तो आपकी जगह अगर कोई और बंदा उस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करेगा तो ऑफकोर्स वो आपके उस ऑलरेडी जो रिटन कोड है उसको देखेगा और चेक करेगा कि कितनी ऑलरेडी एप्लीकेशन डेवलप हो चुकी है और मुझे मजीद कितना काम करना है। तो अब उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो बंदा आपके लिखे हुए कोड को अंडरस्टैंड कर सके और उस लॉजिक को देख सके। तो अगर तो आपने उस कोड को डॉक्यूमेंट नहीं किया तो ज़ाहिर है उस बंदे को चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो एक तो डॉक्यूमेंटेशन इस लिहाज से की जाती है, दूसरा ये कि
जिस तरह अगर आपने कोई एपीएस वगैरह डेवलप की हैं, तो एपीएस डेवलप जब हम करते हैं तो उनको प्रॉपरली डेवलप डॉक्यूमेंट किया जाता है, ताकि उसके जो एंड पॉइंट्स हैं या जिस तरह उनके यूआरएल्स होते हैं या यूआरआईज होती हैं, हम उनको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करते हैं कि किस तरह कौन सा यूआरएल हम पर पर्टिकुलर एपीआई यूज करेंगे, कौन से मेथड्स यूज करेंगे, किस तरह का इनपुट फॉर्मेट हम इसको प्रोवाइड करेंगे, किस तरह का जेसन फॉर्मेट होगा जो ये एक्सेप्ट कर सकता है, और कोई दूसरी जो एपीआई है वो किस तरह का जेसन फॉर्मेट रिटर्न करती है। तो ये सारी चीज़ें हम डॉक्यूमेंट करते हैं ताकि हमारे जो डेवलपर्स हैं, जो अदर डेवलपर्स हैं, क्योंकि हम टीम में सिर्फ अकेले ही काम नहीं कर रहे होते, हमारे साथ और भी बंदे होते हैं जिन्होंने काम करना होता है, कुछ मॉड्यूल लेट से मैं डेवलप कर रहा हूँ, कुछ आप डेवलप कर रहे हैं, कुछ तीसरा बंदा डेवलप कर रहा है, तो इस तरह करके फिर हम कोलेबोरेट भी करना चाहते हैं कि हम जो कोड मैंने लिखा है या जो सेट ऑफ एपीएस मैंने लिखी है वो कोई दूसरा बंदा यूज कर सके, वो किसी दूसरे की लिखी हुई मैं यूज कर सकूँ। तो जाहिर है वो हमेशा अगर हमने उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया होगा तो तब हम ये तब ही प्रॉपरली परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट करने के लिए डिफरेंट टूल्स यूज किए जा सकते हैं। कुछ कंपनीज जो हैं वो आपकी एमएस वर्ड वगैरह यूज करती हैं, लेकिन मैंने पिछले अरसे में कुछ ट्रेंड देखा है, जिस तरह हमारे कुछ लोगों ने जो ऑलरेडी कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं, तो उनसे डिस्कशन के बाद आइडिया हुआ कि वो लोग अब गिट लैब और गिट हब को डॉक्यूमेंटेशन पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी मोटिवेशन गिट लैब या गिट हब को यूज करने की एक ये भी हो सकती है। अच्छा, अब हम ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर ऑपरेशंस। तो पहले हमने ये जिक्र किया कि जो डेवलपमेंट क्या है और डेवलपमेंट के रोल्स क्या हैं, तो अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि ऑपरेशंस का पोर्शन क्या है। अच्छा, जो डेवलपमेंट वाला पार्ट है, आप में से मोस्टली लोग तो ऑलरेडी इससे फेमिलियर हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी लेवल पे या एजुकेशन लेवल पे हम इस डेवलपमेंट वाले प्रोसेस से गुजरे होते हैं और हमें इसका आइडिया होता है पहले से। लेकिन जो ऑपरेशंस वाला काम है, इसको बड़े ध्यान से और गौर से आपने अंडरस्टैंड करना है, और अगर किसी किस्म का कोई इशू है तो प्लीज़ उसको हमने जो क्वेश्चन आंसर सेशन है उसमें लाजमी डिस्कस करना है, क्योंकि ये जो डेवऑप्स में ज़्यादा पोर्शन डिस्कस किया जाता है या जो प्रॉब्लमेटिक होता है जिसको डेवऑप्स प्रॉपरली हैंडल करता है, वो ऑपरेशंस वाले काम ज़्यादा है। इसलिए एक तो हमने इस ऑपरेशन वाले काम को अंडरस्टैंड करना है कि ये कौन से काम हैं जो कि ऑपरेशन की टीम परफॉर्म कर रही होती है, और फिर हम आगे जाके इंशाल्लाह देखेंगे कि इसमें किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, और फिर इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम ये देखेंगे कि उन प्रॉब्लम्स को डेवऑप्स की मदद से कैसे हल किया जाता है। तो ये जो पोर्शन हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं कि ऑपरेशंस वाला, तो इसको लाजमी आपने बड़े गौर से ध्यान से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले तो हमें पता हो कि ये ऑपरेशंस होते क्या। तो एक्टिविटीज एंड प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग एप्लीकेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एक तो इस छोटी सी डेफिनेशन के अंदर दो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं, जिसमें एक मैनेजिंग है और एक मेंटेनिंग। ये बात बड़ी ध्यान वाली है कि आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी जो जो ऑपरेशन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो दो तरह की चीज़ों पे परफॉर्म की जाती हैं, जिसमें एक आपकी एप्लीकेशंस हैं और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। एप्लीकेशन का मतलब जो आपने एप्लीकेशन डेवलप की हुई है, जो सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया है, जो कोड आपने लिखा हुआ है, उस एप्लीकेशन की बात हो रही है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि वो हार्डवेयर या वो सर्वर्स, वो वाली चीज़ें या जो वो रिसोर्सेज जिन पर आपकी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रही है या डिप्लॉय हुई है या चल रही है, जहाँ उसका जिक्र हो रहा है। तो उन दो चीज़ों को, यानी कि एप्लीकेशन को एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि नीचे हार्डवेयर या सर्वर्स हैं, इन दोनों की मैनेजमेंट एंड उनकी मेंटेनेंस, ये जो दो काम हैं मेजरली हम करते हैं, इनसे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं और जो हमने प्रोसेसेस डिफाइन किए होते हैं, इन सब का ताल्लुक ऑपरेशन से। तो आई होप ये आपको जरा क्लियर हो गई। अच्छा, अब मजीद डिटेल से इसको हम जिक्र करते हैं कि इस पूरी एक्टिविटी में, कि जिस ये जो पूरी एक्टिविटी हमने मैनेजिंग और मेंटेनिंग की बात की है, इसके अंदर जो नॉर्मली टास्क हमारी होती हैं, वो सबसे पहले तो डिप्लॉय करने की टास्क है कि हम एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करते हैं, फिर हम उन एप्लीकेशंस को मॉनिटर करते हैं ताकि अगर लेट से कहीं मेंटेनेंस की जरूरत तो नहीं है, किसी तरह के कोई इश्यूज तो नहीं, हमारा जो क्लाइंट या यूज़र है जो कि एंड यूज़र हमारी एप्लीकेशन का है, वो किसी तरह के कोई इश्यूज तो नहीं फेस कर रहा।
अच्छा आप में से किसी का क्वेश्चन, अच्छा हमारे जो हमने जो क्वेश्चन आंसर सेशन ना एंड पे रखा हुआ है, तो हम चाहेंगे कि उसमें आप अपने क्वेश्चन को रेज करें। अभी हम इसको शायद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, या अभी आप वैसे जुनैद अभी पूछ लें अगर कुछ पूछना है। नो सर, आप कैरी ऑन करें। हम जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है ना वो इंशाल्लाह हम एंड पे सेशन के एंड पे इसको लेंगे, ताकि हमारा जो एक सीक्वेंस है वो ब्रेक ना हो और सीक्वेंस से चीजें चलती रहे। अच्छा, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारे ये जो मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग है, इसके अंदर जो हमारे नॉर्मली जो टास्क हैं या काम है वो डिप्लॉय करने के, मॉनिटरिंग करने के और सपोर्ट के, कि जिस तरह सपोर्ट के नॉर्मली लेट्स से हार्डवेयर में किसी किस्म का इशू आ जाता है या एप्लीकेशन के कुछ एंड्स जो हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, यानी कि उनको भी लोड आ जाता है तो वो जरा रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, तो उन्हें सपोर्ट की जरूरत है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो हम परफॉर्म करते हैं। तो ये हम परफॉर्म क्यों करते हैं, जो आखिर पे ये जो सेकंड बुलेट है, इस बुलेट के आखिर पे मैंने तीन चीजों को हाईलाइट किया हुआ है, जिसमें अवेलेबिलिटी है, परफॉर्मेंस है और रिलायबिलिटी। ये तीन ऐसी चीजें हैं जिनको इंश्योर करने के लिए हम ये सारे काम करते हैं। हम एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं ताकि ये आपकी एंड यूजर तक अवेलेबिलिटी हो सके इसकी। फिर हम इसको इसके मॉनिटरिंग भी करते हैं ताकि क्या एप्लीकेशन हमारी स्टिल अवेलेबल है और क्या इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, हम इसकी परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग भी कर देते हैं, और ये रिलायबल कितनी है कि यूजर इसको अगर यूज कर रहे हैं, इसको परफॉर्मेंस भी अच्छी है और अवेलेबिलिटी भी है, तो क्या ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो कि एंड यूजर को चाहिए क्या उस तक अवेलेबल कर रही है या नहीं कर रही। तो इन सारी चीज़ों को हम हैंडल करते हैं। तो इसका मतलब है कि ऑपरेशंस का असल जो टारगेट है वो क्या है, कि आपकी एप्लीकेशन अवेलेबल रहे, उसकी परफॉर्मेंस बेटर रहे और वो रिलायबल रहे। और ये तीन चीज़ें अचीव करने के लिए हम इसकी डिप्लॉयमेंट, मॉनिटरिंग और भी बहुत सारी टास्क हैं जो भी हम इसको डिस्क्लोज नहीं करते, आने वाले वक्त में इनशाला उनको हम डिस्क्लोज करते रहेंगे और उनको डिस्कस भी करते रहेंगे। तो ये ओवरऑल टास्क हैं जो हम ऑपरेशंस के अंदर परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अब जो रोल है, जो ऑपरेशंस में जो रोल है वो कौन सा है, कि एक डिप्लॉयमेंट एंड रिलीज मैनेजमेंट, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट आपका रोल है, कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि डिप्लॉइंग एप्लीकेशन टू वेरियस इन्वायरमेंट सच एज डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, टेस्टिंग इन्वायरमेंट, स्टेजिंग इन्वायरमेंट एंड प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। अच्छा, नॉर्मली जो कंपनीज है ना वो जब एप्लीकेशंस लेट्स से एक डेवलपर एप्लीकेशन डेवलप कर लेता है तो वो इसे डिप्लॉय करना चाहता है, तो एक एप्लीकेशन हमारे चार तरह के इन्वायरमेंट से वो गुजरती है, यानी कि उस पर वो डिप्लॉय की जाती है। कुछ कंपनीज इसमें चार तरह के प्लेटफॉर्म्स यूज कर रही हैं और कुछ कंपनीज जो हैं वो इसमें तीन तरह के आपके एप्लीकेशन या तीन तरह के इन्वायरमेंट यूज कर रही है। तो इसमें हमने इस बात का ख्याल रखना है कि ये हमें प्रॉपरली समझ आए। देखें, एक तो ये चीज़ हम अब इन इन इन्वायरमेंट्स पे हम थोड़ा सा डिटेल में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इनको हम बार बार आगे रेफर भी कर रहे होंगे और यूज़ भी कर रहे होंगे, तो इन तीन चार चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए इस पर आपने बड़े ध्यान से फोकस रखना। सबसे पहले तो ये कि जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, आपका जो डिवेलपर है जिसने एप्लीकेशन लिखी, वो एप्लीकेशन का कोड लिखने के बाद चेक करना चाहता है कि जो उसने कोड लिखा है क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ऑफ कोर्स वो उस एप्लीकेशन को चला के चेक करना चाहता है कि जिस एनवायरनमेंट में इसने चलना है, तो एक डमी सा एनवायरनमेंट में अपने पास वो लोकली भी उसकी मशीन पे लेट्स से लैपटॉप पे भी हो सकता है, और वो उसने अपना कोई एक डेडिकेटेड सर्वर भी रखा हो सकता है कि जो सिर्फ वो डिवेलपर एक्सेस कर सकता है और उस पर वो एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकता है। तो वो वाला सर्वर लेट्स से जो एक डेवलपर इस्तेमाल कर रहा है जस्ट फॉर हिज ओन पर्पस, के मैं एप्लीकेशन को प्रॉपरली डिप्लॉय करके चेक कर सकूं कि ये उस तरह वर्क कर रही है या नहीं कर रही जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, तो उस एनवायरनमेंट को हम क्या बोलेंगे, उस सर्वर को। बेसिकली एनवायरनमेंट का क्या मतलब है, वो सर्वर्स ही होते हैं, तो उन सर्वर्स को उस सर्वर पे चला के चेक करूं कि क्या ये सही चल रही है या नहीं चल रही। तो वो एनवायरनमेंट जो होगा उसको हम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहते हैं। अब जो नेक्स्ट आपका एनवायरनमेंट है दैट इज टेस्टिंग। तो लेट्स से एक डेवलपर ने अपने लिहाज से उसकी टेस्टिंग वगैरह करके और उसने कहा जी हाँ जी मैंने एप्लीकेशन प्रॉपरली डेवलप कर ली है, अब मैं ये चाहता हूँ कि क्वालिटी एश्योरेंस की जो टीम है वो भी इसको टेस्ट करे, वो डिफरेंट टेस्ट उस पर परफॉर्म करेगी। टेस्टिंग में फिर बहुत सारी टेस्टिंग स्ट्रेटजीज होती हैं और बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो सारे टेस्ट परफॉर्म कर सकती है।
तो अब वो जो टेस्टिंग टीम को उसने एप्लीकेशन प्रोवाइड करनी है, तो वो एक और सर्वर होगा, वो एक ऐसा सर्वर होगा जो कि डेवलपर भी एक्सेस कर सकता है, और वो जो क्वालिटी एश्योरेंस की टीम है, जो टेस्टिंग टीम भी सादा अल्फाज में उसे कह सकते हैं, जो टेस्टिंग टीम भी उस सर्वर को एक्सेस कर सकती है। वो इसलिए एक्सेस कर सके कि अब ये जो एप्लीकेशन है इसको, इस पे हम डिफरेंट टेस्ट अप्लाई करेंगे, जिस तरह सैनिटी टेस्ट होते हैं और यूजर को, उसके अलावा दूसरे लोड 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 चेकिंग के टेस्ट भी होते हैं, और भी इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनको अभी हम फिलहाल डिटेल में जिक्र नहीं करते। तो वो जिस तरह के भी, जितने भी टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज हैं अप्लाई करने के लिए, वो जिस सर्वर पे वो टेस्ट क्यूए की टीम अप्लाई कर रही होगी, उसको हम टेस्टिंग एनवायरनमेंट कहेंगे। जब एक कोई क्यूए की टीम हमें ये इंश्योर कर देगी और हमें रिप्लाई दे देगी कि अच्छा जी, आपकी जो एप्लीकेशन है वो एरर फ्री है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने और हमने मिलकर इसको रिजॉल्व कर दिया है, तो अब दिस इज गुड टू गो कि अब इसको नेक्स्ट लेवल पे सेंड किया जाए। तो नेक्स्ट लेवल जो आता है वो है स्टेजिंग का। तो आपका जो स्टेजिंग का एनवायरनमेंट है वो इट इज जस्ट लाइक के बिल्कुल एंड यूजर तक पहुंचाने के लिए आप एक सर्वर मेंटेन करते हैं जिस पे आप एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे, और ये जो स्टेजिंग एनवायरनमेंट होता है, ये आम यूजर्स इसको यूज नहीं कर सकते, ये एक ग्रुप ऑफ यूजर्स को प्रोवाइड किया जाता है, ताकि लेट से 10 बंदे या 20 बंदे या 50 बंदे, सेट ऑफ ग्रुप्स को हम इसको अलाउ करते हैं कि इस सर्वर को आप एक्सेस करें। या नॉर्मली जिस तरह आपने देखा होगा कि जो क्लाइंट हम हमसे एप्लीकेशन बनवा रहा है, तो हम उसे कहते हैं कि अच्छा ये आप हमारे सर्वर का लिंक ले लें, इसे आप खुद टेस्ट करें अपने दोस्तों से, अपने कुलीग से, या अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चंद लोगों से इसकी टेस्टिंग करवा लें कि क्या उनके लिए ये एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो जो एक एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है, वो असल में एंड यूजर परफॉर्म कर रहा होता है, जो आपकी एप्लीकेशन जिसने डेवलप करवाई होती है। तो वो जो टेस्टिंग परफॉर्म करता है, जिस एप्लीकेशन पे परफॉर्म करता है, वो एप्लीकेशन स्टेजिंग एनवायरनमेंट पे पड़ी होती है, तो उस पर वो टेस्टिंग परफॉर्म करता है। जब आपका यूजर कहेगा कि ओके जी, जो जो मुझे चाहिए था, बिल्कुल एप्लीकेशन उसी लेवल की है और मुझे सब कुछ गुड टू गो है और ज़बरदस्त है, तो अब आपका जो बंदा है वो इसी एप्लीकेशन को प्रोडक्शन सर्वर पर पब्लिश करेगा या डिप्लॉय करेगा। तो आपका प्रोडक्शन सर्वर है, दिस इज द लास्ट सर्वर या लास्ट इन्वायरमेंट जो कि एंड यूजर्स के लिए होता है, जिसे फिर पूरी दुनिया एक्सेस करती है। आप जिस तरह फेसबुक यूज करते हैं, गूगल की सर्विसेज यूज करते हैं, जीमेल यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, तो ये आपकी जितने भी एप्लीकेशंस आप एज ए ये आप एज ए यूजर जो यूज कर रहे होते हैं, ये आप सब के सब जो इनके प्रोडक्शन सर्वर्स पे जो एप्लीकेशंस डिप्लाई हुई होती हैं उनको यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसी रोल के दौरान जो कि डिप्लॉयमेंट और रिलीज मैनेजमेंट का है, इसमें आप क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर इज प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड, डिप्लॉयड एंड अवेलेबल। इन तीन चीजों का आप ख्याल रख रहे हैं कि आपने प्रॉपरली इसको कॉन्फ़िगर किया है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी एनवायरनमेंट पे। ये चारों जो एनवायरनमेंट है, इनमें से किसी पे भी आपने इसको प्रॉपरली कॉन्फ़िगर किया है, उनको डिप्लॉय किया है, और इट इज़ अवेलेबल टू द ऑडियंस। अगर आप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में हैं, इसको कर रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं, तो ये डेवलपर को अवेलेबल होना चाहिए, और आप टेस्टिंग एनवायरनमेंट पे इसको डिप्लॉय कर रहे हैं तो ये आपकी क्वालिटी एश्योरेंस की टीम को एक्सेसिबल होना चाहिए, अगर आप स्टेजिंग पे कर रहे हैं तो ग्रुप ऑफ पीपल को ही एक्सेप्ट होना चाहिए और अगर एक्सेस होना चाहिए, और अगर ये प्रोडक्शन लेवल पे आप कर रहे हैं, अगर आप प्रोडक्शन लेवल पे कर रहे हैं या प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे कर रहे हैं, तो फिर ये पूरी दुनिया को या जो जो भी इसके यूजर्स हैं उनको एक्सेसिबल होना चाहिए। तो ये पहला रोल कह लें जो ऑपरेशन टीम परफॉर्म करती है। उसके बाद जो अगला रोल है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। पहले तो हमने एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट की बात की, तो अभी हम ये बात करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कैसे किया जाता है, या वो मैनेज करना वो भी आपकी ऑपरेशन टीम का ही काम होता है। तो मैनेज द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर द रनिंग एप्लीकेशन। ये जो हमने पीछे जिन इन्वायरमेंट्स की बात की है कि ये जो चार इन्वायरमेंट्स हैं, तो और मैंने कहा था कि ये इन्वायरमेंट्स असल में क्या होते हैं, ये असल में सर्वर्स ही होते हैं। तो वो जो सर्वर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि उन्हीं के ऊपर हमारी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट या रन हो रही है। तो उन सर्वर्स को मेंटेन करना, उनको उनमें से जिस जिस सर्वर की हमें रिक्वायरमेंट है उस सर्वर को मेंटेन करना प्रॉपरली,
और उसकी जितने भी कॉन्फ़िगरेशन हैं उनको मेंटेन करना, ये सारा काम ऑपरेशंस टीम का। अब जो नॉर्मली आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिर्फ सर्वर्स नहीं है, उसमें आपके वो सर्वर्स जिन पर एप्लीकेशन चल रही है वो भी सर्वर्स आपके मेंटेन करना ऑपरेशन टीम का हिस्सा है। जो डेटाबेसेस पीछे इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर तो आप कोई मैनेज डेटाबेसेस यूज़ कर रहे हैं उनको मैनेज करना भी इन्हीं का काम है। अदरवाइज आपकी जो, अगर आप खुद से अपनी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं या अपने आपने सर्वर्स डेटाबेसेस सर्वर्स मेंटेन किए हैं तो आप उनको भी मेंटेन कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, उनकी मेंटेनेंस भी ऑपरेशन टीम का हिस्सा है। इसी तरह अंडरलाइन जो नेटवर्क है, तो नेटवर्क डिवाइसेस हैं या वैसे जो नेटवर्क की वैसे सर्विसेज हैं अगर वो चाहिए तो वो सारे भी उनको भी हैंडल करना आपकी ऑपरेशन टीम का हिस्सा है या उनका काम। ओके जी, कॉन्फिगर एंड मेंटेन द इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंश्योर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी। तो जाहिर है ये इसका मेन फोकस क्या होता है, ये हम इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों मेंटेन कर रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी रीजन यही है कि हम परफॉर्मेंस चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन की और हम स्केलेबिलिटी चाहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रोल है दैट इज मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रॉपरली अप किया है और उसके ऊपर एप्लीकेशन हमने डिप्लॉय कर दी और फिर हमने उसको अकेला छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। हम एप्लीकेशन को साथ साथ मॉनिटर कर रहे होते हैं, सिर्फ एप्लीकेशन को नहीं, अपने अंडरलाइन जो हार्डवेयर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको भी और अपने एप्लीकेशन को भी प्रॉपरली मॉनिटर कर रहे होते हैं कि अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसको फौरन एड्रेस कर सकें, और उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और उनको फिर एड्रेस करना, ये सारा का काम जो है ये हमारी ऑपरेशंस की टीम का होता है। तो अब मॉनिटरिंग टूल्स नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं ट्रैक करने के लिए कि जो की मेट्रिसेस हैं हमारे एप्लीकेशन के या हमारे सर्विस के, डिटेक्ट अनोमलीज, अगर कोई अनोमली वगैरह हो रही है कि कोई बंदा कोई हैकिंग शैकिंग या इस तरह की एक्टिविटीज या कोई अनऑथराइज एक्सेस कोई कर रहा है बंदा, तो उन चीज़ों को डिटेक्ट करना और उनको रिजॉल्व करना, इंश्योर द एप्लीकेशन इज मीटिंग परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस। तो इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि ठीक है एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया लेकिन क्या वो उसकी परफॉर्मेंस ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हमारे यूजर्स को बहुत स्लो रिस्पॉन्स कर रही है और एप्लीकेशन पे हो सकता है लोड हो तो उस लोड की वजह से रिस्पॉन्स जो है वो ज़्यादा बेहतर ना हो। तो हम इन चीज़ों को भी मॉनिटर करते हैं कि यूज़र को कितना वेट करना पड़ता है कि जब वो हमें रिक्वेस्ट सेंड करता है हमारी एप्लीकेशन को तो कितने सेकंड्स के बाद या कितने मिली सेकंड्स के बाद उसको रिस्पॉन्स मिलता है, तो क्या हमारा यूज़र इतना वेट बर्दाश्त कर सकता है या नहीं कर सकता, तो इन सारी चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं। फिर नेक्स्ट जो चीज़ है जो कि ऑपरेशन की टीम मैनेज करती है वो है इंसिडेंट्स, जो इंसिडेंट मैनेजमेंट है एंड ट्रबल शूटिंग। इसमें सबसे पहले तो हम हमारा उस टीम का जो रोल होता है वो इन्वेस्टिगेट करना कि इंसिडेंट कौन सा हुआ है, कोई हैकिंग का इंसिडेंट तो नहीं हुआ या किसी ने डीडॉस अटैक तो नहीं किया या किसी और तरह की कोई अनऑथोराइज, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि अनऑथोराइज एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कोशिश यही होती है कि मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑन यूजर्स एंड रिस्टोर द सर्विसेज एज सून एज पॉसिबल। तो जाहिर है जो आपकी ऑपरेशन टीम है इस पे बर्डन होता है कि उन्होंने इस बात का ख्याल रखना होता है कि हमारे यूजर्स जो है ना वो इफेक्ट ना हो, अगर किसी किस्म की कोई हैकिंग वगैरह या किसी तरह की कोई एनोमलीज वगैरह परफॉर्म भी हो रही हैं तो हमारे यूजर्स को एप्लीकेशन प्रॉपरली एक्सेसिबल, अगर वो नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि हमारी जो ऑपरेशन टीम है वो फेल हो गई है, वो एप्लीकेशन को अवेलेबल करने में फेल हो गई है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला होता है। और इन केस अगर ऐसा एरर मसला आ भी जाता है तो हम उसे फौरन रिजॉल्व करने की कोशिश करें। फिर इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्रोसेस आर फॉलोड एंड कोलेबोरेटेड विद द डेवलपमेंट टीम टू आइडेंटिफाई रूट कॉजेज एंड इंप्लीमेंट प्रिवेंटिव मेजर्स। तो इसमें एक बिल्कुल ये जो काम है ये किया जाता है कि आपके जितने भी इंसिडेंट्स जो होते हैं उनका रिस्पॉन्स प्रोसेस आप पहले से डिफाइन कर देते हैं, कि जो अच्छे मैनेजर्स होते हैं वो इन चीज़ों को खास ख्याल रखते हैं कि चाहे अगर इस तरह का इंसिडेंट होगा तो हम क्या प्रोसेसेस फॉलो करेंगे और कौन से सेट ऑफ रूल्स हम अप्लाई करेंगे ताकि हम जल्दी से जल्दी अपनी एप्लीकेशन को रिकवर कर सकें और कम बैक कर सकें, और फिर डेवलपमेंट टीम के साथ कोलेबरेट कर सकते हैं कि अच्छा इस तरह की एक्टिविटीज हुई हैं, हो सकता है उस एप्लीकेशन के कोड में कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी हो जिसकी वजह से हैकर ने उसको एक्सेस किया या एनोमलाइज हुई है या किसी किस्म का भी कोई मसला हुआ है।
तो अगर तो ये प्रॉब्लम डेवलपर एंड से है तो हम उसको डेवलपमेंट टीम से उसके साथ मिलके इसको सेटअप करते हैं और ठीक करते हैं, और अगर ये ऑपरेशन एंड पे है तो हम उन टीम के साथ या उनके जो सीनियर लोग हैं उनके साथ मिलके इस मसले को रिजॉल्व करते हैं। फिर सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस है, इस बात का हम खास ख्याल रखते हैं कि इंश्योर द सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो इसमें हमारा पर्पज ये होता है कि टू प्रोटेक्ट द सॉफ्टवेयर फ्रॉम पोटेंशियल थ्रेट्स सिक्योरिटी मेजर्स नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड, सच एज हम एक्सेस कंट्रोल का खास ख्याल रखते हैं, हम वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग का खास ख्याल रखते हैं और पैच मैनेजमेंट इनका खास ख्याल रखते हैं। ये अगर क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि हमारी वल्नरेबिलिटीज रह जाती हैं एप्लीकेशन के अंदर, कई कई दफ़ा कोड के अंदर, कई दफ़ा हम जो एपीआईज हैं उनको एक्सपोज करते हुए इस तरह की चीज़ें हम उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज छोड़ देते हैं, लूप होल्स छोड़ देते हैं, तो जिनको हमारा हैकर उनको एक्सप्लॉयट करता है और यूज करते हुए हमारी एप्लीकेशन तक एक्सेस ले लेता है। तो हम सबसे पहले तो यही कोशिश करते हैं कि हम एक कंट्रोल एक्सेस दें कि हर बंदे को एप्लीकेशन तक एक्सेस ना दें। जिस तरह अक्सर आपने देखा होगा, आप जब किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी की या जिस तरह फेसबुक की या किसी और कंपनी की एपीआईज वगैरह यूज करते हैं, तो वो आपसे प्रॉपरली सबसे पहले डिटेल मांगते हैं कि आप क्यों ये एपीआईज चाह रहे हैं, ये डिटेल हमें दें। फिर आप टोकन जनरेट करें तो वो सिक्योरिटी टोकन आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर एम्बेड करेंगे, उसके बाद आप हमारी एपीआईज को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं ये एक्सेस कंट्रोल के जमरे में आती है और हम इसको कवर कर रहे होते हैं। फिर जो वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग की जाती है ये सिक्योरिटी एंड पे इसका भी खास ख्याल रखा जाता है कि जो डेवलपर है उसने जो कोड लिखा है कहीं उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, या इसी तरह अगर डेवलपर ने कोई कंटेनर इस्तेमाल किया है, जिस तरह हमने कंटेनराइजेशन की बात लास्ट टाइम की थी, तो उस कंटेनर के अंदर बिल्ट इन कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि वल्नरेबिलिटी हो, तो हम उनकी स्कैनिंग वगैरह भी करते हैं। वो कैसे करते हैं वो इंशाल्लाह हम जब उस टाइम पे उस मॉड्यूल में पहुंचेंगे तो हम उसको डिटेल में जिक्र करें। फिर इसी तरह अगर आपके सर्वर वगैरह में जो इटसेल्फ सर्वर है जिस पर आपकी एप्लीकेशन चल रही है कि सब कुछ ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, सर्वर में इटसेल्फ अगर कोई लूप होल है तो वो जाहिर है उसकी वजह से भी एक्सेस हो सकती है और प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम पैच मैनेजमेंट करते हैं नॉर्मली, जिस तरह अक्सर आप अगर आप विंडोज के का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि सिक्योरिटी अपडेट्स आती हैं कि आपकी एप्लीकेशन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर किसी किस्म के अभी भी फ्लॉज बाकी हैं तो उन फ्लॉज को रिजॉल्व करना करने में वो जो नई अपडेट्स होती हैं वो हेल्प करती हैं। ऑल्सो इंश्योर्स कंप्लायंस विद द रेलिवेंट रेगुलेशन एंड इंडस्ट्री। अच्छा, इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं वो कुछ कंपनी जो कंपनीज के अपने जाती रूल्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो आपके कंट्री वाइज रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनको भी इंश्योर करना होता है। ये भी आपकी ये कंप्लायंस जो टीम होती है ये उनका काम होता है कि क्या ये प्रॉपरली इन्होंने ये चीज़ें इस्तेमाल की हैं या नहीं। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट रोल है दिस इज दैट इज कैपेसिटी प्लानिंग एंड स्केलेबिलिटी। तो कैपेसिटी प्लानिंग में हम क्या करते हैं, असेस द कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेशन एंड प्लान फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल है जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इस पर हम बहुत ज्यादा फोकस भी करते हैं और ख्याल रखते हैं कि जिस तरह आपने एप्लीकेशन तो चला दी है, लेट्स से वो एक सर्वर पे चल रही है और अचानक उस पर लोड बढ़ गया क्योंकि आपने फील किया कि आपकी एप्लीकेशन बड़ी फेमस हो गई है और बहुत ज़्यादा लोग उसे यूज़ करने लग गए हैं, तो आपकी एप्लीकेशन पे आपके सर्वर पे लोड इंक्रीज हो गया, तो उस केस को फिर कैसे हैंडल करेंगे। अब आपने जो सर्वर यूज़ किया हुआ पहले से वो इतनी कैपेसिटी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो लेट से 1 लाख लोगों को सेम एट द सेम टाइम सर्व कर सके, तो फिर उस केस में आपने देखना होगा कि आपकी क्या कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, वो जो सर्वर है वो कैपेसिटी उतनी कैपेसिटी उसके अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो अगर नहीं करती तो हम फिर उसको प्लान करते हैं, मेंटेन करते हैं, उसके लिए फिर हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करते हैं। एक टर्मिनोलॉजी होती है स्केलेबिलिटी की, हम उस स्केलेबिलिटी की उस स्केलेबिलिटी को यूज करते हैं और अपने सर्वर को या तो इंक्रीज कर लेते हैं, उसकी अपनी जाती कैपेसिटी इंक्रीज कर लेते हैं, या हम एक नंबर ऑफ सर्वर इंक्रीज कर लेते हैं, फिर उसको हम स्केलिंग कहते हैं। इसको हम आगे जाके इंशाल्लाह डिटेल से भी जिक्र करेंगे। इसके अलावा एनालाइज यूजेज पैटर्न्स। अच्छा, ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं कि हम यूजेज पैटर्न देखते हैं कि यूजेज कितना है, किस चीज़ का, आपकी रैम का, कि सर्वर की रैम कितनी इस्तेमाल हो रही है, उसका सीपीयू यूजेज कितना है, और ये सारी चीज़ें हम देखते हुए और फिर एंटिसिपेट रिसोर्स नीड्स, फिर हम ये भी ख्याल रखते हैं कि अच्छा इतना इस्तेमाल हो रहा है और इतना हमें मजीद जो आपका सर्वर पे रिसोर्सेज हैं यानी कि रैम है या आपकी हार्ड डिस्क हो गई या आपकी
जो सीपीयू यूजेज है इनको देखते हुए फिर हम मजीद अगर जरूरत पड़े तो हम उनको इनहेंस कर लेते हैं। एंड ये दो चीजें करने के बाद, एक तो यूजेज पैटर्न देखा हमने, फिर आपके रिसोर्सेज की जो नीड्स है इसको देखा, और फिर हम एप्लीकेशन को स्केल अप कर सकते हैं, और हम स्केल करते हैं द इंफ्रास्ट्रक्चर एज नेसेसरी टू अकोमोडेट द इंक्रीज डिमांड। फिर वर्क क्लोजली विद द डेवलपमेंट टीम टू इंश्योर द एप्लीकेशन इज डिजाइन फॉर स्केलेबिलिटी। अच्छा, इस बात का भी बड़ा ख्याल रखा जाता है कि जिस तरह हम ये कह रहे हैं कि हम एप्लीकेशन को स्केल कर लेते हैं, लेकिन इस स्केल करने के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि क्या आपने जो एप्लीकेशन का कोड लिखा है क्या वो इस स्केलेबिलिटी को अलाउ करता है या नहीं करता। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपने एक ऐसी एप्लीकेशन लिखी है जो कि इटसेल्फ उसके अंदर स्केलेबिलिटी की फैसिलिटी हो। तो अगर आप ऐसी एप्लीकेशन जिसके अंदर जाती तौर पे आपने स्केलेबिलिटी को मैनेज नहीं किया, तो उसको स्केल करना फिर एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है, और प्रॉपरली स्केल भी नहीं हो पाती, वो इटसेल्फ आपके रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा जाया करती है। तो इस बात का भी हमें ख्याल रखना होता है। तो ये हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में देखेंगे कि जब हम एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं तो उस टाइम इन चीज़ों का कैसे ख्याल रखते हैं। इसके अलावा एक बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसा हो सकता है कि हम हमारी एप्लीकेशन में किसी किस्म का डिजास्टर हो, हमारे सर्वर जो हैं वो जिस डेटा सेंटर में पड़े हुए हैं किसी किस्म के फ्लड आने की वजह से, या अर्थक्वेक आने की वजह से, या और किसी तरह की जिस तरह मौसम खराब होते हैं तो उनकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की जाने की वजह से, या किसी भी इस तरह के मिसहैप होने की वजह से हमारी एप्लीकेशन जो है वो उनके सर्वर बंद हो सकते हैं, उनका बैकअप नहीं हो सकता, डिजास्टर हो सकता है। तो उन चीज़ों का भी हम ख्याल रखते हैं कि हमने अपने सर्वर्स का बैकअप करना है, कि अगर इनके सर्वर में गड़बड़ हो जाती है, हमारा सर्वर डाउन हो जाता है, तो हम हमारा जो एट द करंट टाइम तक जो स्टेट है हमारी एप्लीकेशन की, वो हम मेंटेन करें, उसको बैकअप करें और इस्तेमाल कर सकें। और डिजास्टर रिकवरी स्ट्रेटेजीज हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने डेटा लॉस को कम से कम कर सकें। अच्छा, हम ये सारी चीज़ें हम जब परफॉर्म कर रहे हैं, ये रोल परफॉर्म करते हैं, तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो बैकअप द डेटा, कि हम अपने डेटा को बैकअप करते हैं। फिर हमारे रिकवरी टेस्ट होते हैं जिनको हम साथ साथ कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, और फिर हम इस्टेब्लिश करते हैं रिकवरी प्रोसीजर्स को। और ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हम इजीली अपनी जो एप्लीकेशन है उसको बैकअप कर सकें, और इन केस ऑफ डिजास्टर हम उसको रिकवर कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जाहिर है हम इसलिए करते हैं कि हम अपनी एप्लीकेशन का डाउन टाइम मिनिमाइज करना चाहते हैं, कि यूज़र को जो यूज़र हमारी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकें उनको हमारी एप्लीकेशन डाउन ना फील हो, ये ना फील हो, या ये ना लगे कि एप्लीकेशन बिल्कुल बंद हो गई है, अब वो रिस्पॉन्स नहीं करती। और इसी तरह डेटा लॉस को कम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो आपका लास्ट वाला जो रोल है जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो है ऑटोमेशन एंड टूलिंग का। तो आपके जो ऑपरेशन टीम है, ये जिस तरह बहुत सारी एक्टिविटीज हमने जिक्र की हैं कि ये बहुत सारे काम करती हैं, ये बहुत सारे काम जो परफॉर्म करती हैं, जाहिर है ये अर्ली दिनों में तो लोग इसको मैनुअली किया करते थे, लेकिन टाइम के साथ साथ जब टूल्स की मजीद मार्केट में टूल आना स्टार्ट हुए तो बहुत सारे जो फेमस टूल्स हैं उन पे इस्तेमाल करते हुए हम ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। और जाहिर है इन इन सारी चीज़ों को हम फिर ऑटोमेशन के जुमरे में लेके आते हैं, या ऑटोमेशन के सेंस में कहते हैं कि जो काम हम मैन्युअली कर रहे थे अब हम मैन्युअली नहीं कर रहे, बल्कि विद द हेल्प ऑफ सम कोड या विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स या एप्लीकेशंस हम इसको यूज़ करते हैं, और उन उन टूल्स को यूज़ करते हुए हम ये सारे काम परफॉर्म करते हैं। तो जाहिर है ये हमें क्या करती है, ये हमारे लिए एफिशिएंट डिप्लॉयमेंट करती है, मॉनिटरिंग इससे बेहतर हो जाती है, और सॉफ्टवेयर की मैनेजमेंट जो है वो ईजी हो जाती है। तो ये हमारे ओवरऑल वो चीज़ें थी कि हमारे जो ऑपरेशंस के काम हैं वो कौन कौन से होते हैं जिनको हमने ज़रा मोटा मोटा डिस्कस किया है। आई होप इनमें से कुछ चीज़ें आपको समझ आई होंगी, कुछ अगर नहीं भी समझ आए तो उनमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इन्हीं चीज़ों को थ्रू आउट द बूट कैंप इनको दोबारा डिस्कस कर रहे होंगे और उनको प्रैक्टिकली देख रहे होंगे, और उन उन चीज़ों से जब हम प्रैक्टिकली खुद गुजरेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा उनको अंडरस्टैंड करना, और उनके लिए जब हम सोल्यूशन भी निकालेंगे तो वो भी आप इंशाल्लाह कंफर्टेबल हो जाएंगे इन सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे। अच्छा, अभी हम ये देखते हैं कि वो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो अक्सर हमारे डेवलपर्स को फेस करनी पड़ती हैं। तो उनमें सबसे पहले तो हमारे जो डेवलपर हैं वो बग्स को और सॉफ्टवेयर के जो डिफेक्ट्स हैं उनका सामना उन्हें करना पड़ता है, तो क्योंकि एप्लीकेशन में बग्स रह जाते हैं। तो अब वो बग्स किस वजह से हो सकते हैं, वो कि लॉजिकल एरर हो सकते हैं, कोई इनकरेक्ट फंक्शनैलिटीज हो सकती हैं जो कि आपकी परफॉर्मेंस को ख़राब कर रहे हैं, या सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज हो सकते हैं। तो ये इस तरह के ऐसे डिफेक्ट्स या बग्स रह जाते हैं
जिनको फिर हमारे डेवलपर को रिजॉल्व करना पड़ता है। तो फिर उसे रिजॉल्व करने के लिए जा रहा है, टेस्टिंग करनी पड़ती है अपने लेवल पे, डिबगिंग करनी पड़ती है, और कोड को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है ताकि इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हैंडल किया जा सके। दूसरा जो प्रॉब्लम हमारे डेवलपर को फेस करना पड़ता है वो दूसरा यह है कि इंटीग्रेशन का चैलेंज। अब आपने अक्सर देखा होगा कि हम जब सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो डेवलप करने से पहले हम अपने सॉफ्टवेयर को डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, लॉजिकल मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं ताकि हमारे लिए उसको मैनेज करना आसान हो। तो लेट्स से एक यूज़र ने एक मॉड्यूल डेवलप किया है और उसको डिलीवर किया क्लाइंट को। अब उस वो दूसरे मॉड्यूल पे काम कर रहा है तो दूसरे मॉड्यूल को पहले मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेट करना होगा ताकि ये दोनों मॉड्यूल सेपरेटली काम करने के बजाय इकट्ठे जब काम करें तो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। तो उसको इंटीग्रेट करना भी एक प्रॉब्लम होता है, या एक वो ये एक ट्रिकी चीज़ है जिसको हैंडल करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, मुझे हमें फेस करना पड़ रहा है। तो फेस चैलेंजेस इन इंश्योरिंग सीमलेस इंटीग्रेशन एंड कंपेटेबिलिटी। तो इस बात का बड़ा ख्याल रखें कि सीमलेस इंटीग्रेशन होनी चाहिए, कि पता नहीं चलना चाहिए एंड यूजर को कि अच्छा एक नया फीचर आ रहा है और वो एम्बेड हुआ है मेरी 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 इस एप्लीकेशन के अंदर। अक्सर हमने देखा है कि जब हम नई वेबसाइट्स द्वारा, लेट्स से फेसबुक की या किसी और एप्लीकेशन की, हम वेबसाइट यूज करते हैं तो हमें फीलिंग भी नहीं आती कि अच्छा इसमें कुछ सेट ऑफ नए पेजेस आ गए हैं, और हम जब भी एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं तो वो बड़े आराम से एक्सेसिबल होती है और हम बड़े इजीली उसे यूज कर रहे होते हैं, तो उसमें डाउन टाइम बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल जीरो होने के बराबर होता है। तो इस सीमलेस इंटीग्रेशन को इंश्योर करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। तो ये जाहिर है ये बगैर डेवऑप्स के इसको हैंडल करना एक मुश्किल काम होता है। और इसके अलावा जो कंपेटेबिलिटी है, जो वेरियस आपके पार्ट्स हैं एप्लीकेशन के, जिस तरह डेटाबेसिस के साथ, एपीआईस के साथ, की थर्ड पार्टी आपकी लाइब्रेरीज हैं या माइक्रो सर्विसेज अगर आप यूज कर रहे हैं तो उनके साथ फिर इनको इंटीग्रेट करना बड़ा एक चैलेंज होता है, जो जिसका हमें ख्याल रखना होता है। इसी तरह एक प्रॉब्लम जो यूज हमारे डेवलपर को फेस करना पड़ता है वो है रिक्वायरमेंट्स मिस अलाइनमेंट का। तो आपकी जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मिस अलाइन हो सकती हैं, कि यूजर यूजर जो है उसने ऐसी रिक्वायरमेंट्स दी हैं जो हो सकता है आपस में कंफ्लिक्ट करती हों, या आपका अपना जो डेवलपर है वो उसको अंडरस्टैंड करने में उसको प्रॉब्लम हो रही है कि वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, उसने जो इंग्लिश लिखी है या उसने जिस तरह उसको डिस्क्राइब किया हुआ है वो इतना प्रॉपर नहीं है कि हमारा जो डेवलपर है उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सके। तो ये रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना भी एक प्रॉब्लम होता है, और जाहिर है इसको हल करने के लिए इसका जो रेजोल्यूशन है वो यही है कि हम प्रॉपर कम्युनिकेशन करें उस क्लाइंट के साथ, उसके साथ उससे रेगुलर फीडबैक लें और अपनी इन रिक्वायरमेंट्स को रिफाइन करें ताकि किसी किस्म का जो इबहाम है या ऐसी चीज़ें जो कि वेग हैं, जो कि क्लियर नहीं है, उनको हम प्रॉपरली रिजॉल्व कर सकें। फिर एक प्रॉब्लम है कि स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस का। जैसे मैंने पहले कहा था कि जो आपकी एप्लीकेशन है उसके अंदर भी एक स्केलेबिलिटी का एक फीचर होना चाहिए, या उस लिहाज से स्केलेबल बनाने के लिए भी एप्लीकेशन ड्यूरिंग डेवलपमेंट इस बात का ख्याल रखा जाए कि हम इस एप्लीकेशन को जब स्केल करेंगे तो हम इसमें इन इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। तो उन चीज़ों का ख्याल भी हमें रखना होता है, और ख़ास तौर पे जब आपकी यूज़र्स का लोड इंक्रीज करेगा तो फिर आपकी एप्लीकेशन कैसे बिहेव करेगी, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना होता है ताकि आपकी एप्लीकेशन प्रॉपरली इजीली स्केलेबल हो और किसी किस्म के कोई इश्यूज ना आए, और जाहिर है वो प्रॉपर एक परफॉर्मेंस भी अपनी शो करे। तो डिज़ाइन स्केलेबल आर्किटेक्चर, अपने कोड को ऑप्टिमाइज करना ताकि वो परफॉर्मेंस अच्छी दे। इसमें इस बात का ख्याल रखा जाए कि ये नहीं है कि जैसा मर्जी कोड लिखते हैं तो टेंशन नहीं है, इसमें हमेशा हम ऑप्टिमाइज कोड लिखते हैं क्योंकि हम इस बात को इंश्योर करते हैं कि हमारा जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो बैड नहीं होना चाहिए। हम मुश्किल लॉजिक या मुश्किल ऑप्टिमाइज कोड इसलिए लिखते हैं कि यूज़र को आसानी हो, और हम इसके अलावा लोड टेस्टिंग भी परफॉर्म करते हैं इससे पहले कि एप्लीकेशन को लॉन्च करें। तो हम लोड टेस्टिंग कर लेते हैं कि अच्छा कितना हमारी एप्लीकेशन लोड बर्दाश्त कर सकती है, कितने सेट ऑफ यूजर्स को एक सर्वर बर्दाश्त कर सकता है, ताकि उसके बाद हम इसको यूज़ कर इसकी स्केलिंग अप कर सकें। इसके बाद टाइम और रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं, ये जाहिर है ये भी प्रॉब्लम होता है कि हमारा जो यूज़र है, जो सॉरी डिवेलपर है, उसको अगर डेडलाइन मीट करनी है तो टाइम टाइम मैनेजमेंट करनी उसके लिए एक चैलेंज होता है, और जो आपकी डिफरेंट टास्क हैं उनको प्रायोरिटाइज करना होता है ताकि जो टास्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम पहले परफॉर्म कर लें और उसके अलावा उसके तरीके से हम मैनेज कर सकें। तो ये टाइम और रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये भी अक्सर हमें फेस करनी पड़ती है। तो इसके लिए हमारी जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं ज़रा उनको हमें अडॉप्ट करना होता है अच्छा सा, तो फिर हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज रिलेटेड टू, कि जो ये तो हमने जिक्र कर लिया कि
कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि डेवलपर को या डेवलपमेंट से रिलेटेड लोगों को हैंडल करने पड़ते हैं या फेस करने पड़ते हैं, जिनका सोल्यूशन हमें डेवऑप्स दे सकती है। और कुछ अभी हम ये प्रॉब्लम थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं जिनका ताल्लुक ऑपरेशन से, और फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। तो पहला जो प्रॉब्लम है वो डाउन टाइम और सिस्टम की आउटेज है। तो डाउन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एप्लीकेशन को डाउन नहीं होने देना चाहते, कि अगर एप्लीकेशन डाउन हो गई है तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। तो फेस द चैलेंज ऑफ मिनिमाइजिंग डाउन टाइम, कि हमने कोशिश ये करनी है कि एज ए डेवऑप्स इंजीनियर या एज ए ऑपरेशन जो एज ए ऑपरेशन टीम, कि हमने एप्लीकेशन को डाउन नहीं होने देना, कम से कम डाउन टाइम उसका होना चाहिए, और इंश्योर द हाई अवेलेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन, कि हर टाइम अवेलेबल होनी चाहिए, 24 आवर्स आपकी एप्लीकेशन जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। तो अनएक्सपेक्टेड आउटेज, इंफ्रास्ट्रक्चर का फेलियर हो जाना या नेटवर्क इशू हो जाना, नेटवर्क इशू का मतलब है कि आपका इंटरनेट का इशू हो जाना, जैसा आपने जिस कंपनी से इंटरनेट की सर्विसेज ली हुई हैं, अगर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया या उनका नेटवर्क खराब हो गया, तो तब भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इन चीज़ों का भी हम ख्याल रखते हैं। फिर इम्प्लीमेंटिंग रोबस्ट मॉनिटरिंग, फॉल्ट टॉलरेंस एंड डिजास्टर रिकवरी स्ट्रेटेजीज जो है हमें इन सब प्रॉब्लम को हेल्प करती हैं एड्रेस करना। परफॉर्मेंस के इश्यूज का हमें ख्याल रखना होता है, डील्स विद परफॉर्मेंस इश्यूज दैट अराइज ड्यू टू इंक्रीज लोड, कि आपका लोड इंक्रीज होया हो गया इस वजह से भी आपका जो परफॉर्मेंस है खराब हो सकती है। आप रिसोर्सेज जो यूज कर रहे थे, रैम है, हार्ड डिस्क है, और सीपीयू यूजेज जो है उसकी वजह से भी आपके प्रॉब्लम आ सकते हैं, और इनएफिशेंट आपने कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम पे परफॉर्म किया उसकी वजह से भी परफॉर्मेंस के इश्यूज हो सकते हैं। तो हम इनका भी ख्याल रखते होते हैं, तो इनको भी हैंडल करना आपकी इस टीम का हिस्सा होता है। दूसरा ये कि नेक्स्ट मॉनिटरिंग सिस्टम जो है उसमें मॉनिटरिंग सिस्टम परफॉर्मेंस, ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्सेज एलोकेशन एंड कंडक्टिंग परफॉर्मेंस ट्यूनिंग आर क्रूशियल चीज़ें, कि जिनको हम यूज़ करते हुए फिर एड्रेस कर सकते हैं कि वो ये चीज़ें जो हमारे ऊपर प्रॉब्लम, हमने 3 आइडेंटिफाई किए कि इन वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनको हम किस तरह हैंडल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा वल्नरेबिलिटीज आपकी आ जाती हैं, कि सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज, इनका ख्याल भी रखते हैं कि हम सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को एड्रेस करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं अपने सिस्टम को फ्रॉम पोटेंशियल थ्रेट्स। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है। तो दिस इंक्लूड इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी मेजर्स, हम जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं प्रॉपरली उनका ख्याल भी रखते हैं, अप्लाइंग पैचेस एंड अपडेट्स, हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को भी उनको भी पैच कर रहे होते हैं, प्लस आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर भी अगर किसी किस्म की अपडेट्स चाहिए तो उनको भी कर रहे होते हैं, और एप्लीकेशन को रेगुलरली मॉनिटरिंग भी करते हैं। 24/7 हम एप्लीकेशन को मॉनिटर करते हैं और उसको ऑडिट करते रहते हैं कि किसी किस्म का प्रॉब्लम तो नहीं आया, सिक्योरिटी प्रॉब्लम फैक्टर। इसी तरह कैपेसिटी प्लानिंग एंड स्केलेबिलिटी, ये फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है कि हमने अपने जो सर्वर्स हैं उनकी पहले से प्लानिंग करनी है कि अगर इतना लोड हो जाएगा तो फिर हम कैसे मैनेज करेंगे और कैसे स्केल करेंगे, स्केल अप कैसे करेंगे, स्केल डाउन कैसे करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक पूरा प्रोसेस होना चाहिए या पूरा एक प्रोसीजर होना चाहिए जो हमें नॉर्मली चाहिए होता है, हम परफॉर्म भी करते होते हैं। इंश्योरिंग द एप्लीकेशन कैन हैंडल इंक्रीज ट्रैफिक, डाटा स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स एंड यूजर लोड इज क्रिटिकल। इन 3 चीज़ों का नॉर्मली ख्याल रखते हैं कि ट्रैफिक इंक्रीज होगी तो हम कैसे उसको मैनेज करेंगे, डाटा स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है, या फॉर एग्जाम्पल आपका डेटा बेस का इशू हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन तो सही चल रही थी लेकिन जिस सर्वर पे आपने डेटा बेस रखा हुआ था वो हार्ड डिस्क फुल हो गया, तो उसको भी तो ख्याल रखना है, उसको भी मैनेज करना है। और इसी तरह अगर लोड इंक्रीज हुआ है तो उस केस को कैसे हैंडल करना है, ये भी हम परफॉर्म करते हैं। फिर हम कैपेसिटी प्लानिंग करते हैं, लोड टेस्टिंग करते हैं, और स्केलेबिलिटी स्ट्रेटेजीज हम यूज़ करते हैं ताकि हम इस तरह के चैलेंजेस को एड्रेस कर सकें। फिर इंसिडेंट मैनेजमेंट एंड रिस्पॉन्स है, ये बिल्कुल वही है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया कि हैंडल इंसिडेंट मैनेजमेंट एंड रिस्पॉन्स व्हेन इश्यूज आउटेजेस और सिक्योरिटी पैचेस अकर, सिक्योरिटी ब्रीचेस अकर्स। तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, टाइमली आइडेंटिफिकेशन करना बड़ा ज़रूरी है, उसको फिर डायग्नोज करना बड़ा ज़रूरी है, फिर रेजोल्यूशन उसके अगेंस्ट करना, जो काउंटर मेजर्स हैं उनको लेना, और ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हैंडल करना। सिक्योरिटी वाला इशू हो गया, पेनिट्रेशन, अक्सर लोग पेनिट्रेट कर जाते हैं आपके नेटवर्क के अंदर या आपकी एप्लीकेशन के अंदर, या वो वैसे ही अनऑथराइज्ड हैकिंग कर एक्सेस ले लेते हैं और फिर वो उसमें से ऐसे डेटा पिक कर लेते हैं, वो कोई डिस्ट्रॉय तो नहीं करते लेकिन वो आपके जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है उसे ग्रैब कर लेते हैं और फिर वो उसे उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, ब्लैकमेलिंग वगैरह चीज़ें कर सकते हैं। तो ये इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो कि नॉर्मली हमें करनी पड़ती हैं एज ए ऑपरेशंस। तो ये एक मोटा सा मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि हमारे जो डेवलपमेंट की टीम है नॉर्मली वो क्या कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करती है,
और जो हमारी ऑपरेशंस की टीम है वो कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करती है और किस तरह के इश्यूज उसे सॉल्व करने पड़ते हैं, किस तरह के इश्यूज उन्हें रिजॉल्व करने पड़ते हैं या फेस करने पड़ते हैं ताकि वो इन सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन कर सके। बाकी इसके अलावा हमने जो कम्युनिटी सेटअप की हुई है जो कि स्लैक चैनल है, आई होप आप सबने ज्वाइन कर लिया होगा। अगर अभी भी नहीं किया तो काइंडली उस पर ज्वाइन करें और उस पर हम थोड़ी सी इंशाल्लाह एक दो दिन में हम उस पर एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे। जब हम प्रॉपरली डेवऑप्स को थोड़ा डिस्कस करेंगे तो हम उस पर थोड़ी सी प्रॉपरली डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपने इसको प्रॉपरली ज्वाइन कर लिया। और एक बात का ख्याल रखिएगा कि चूंकि ये कम्युनिटी है इसका एक डेडिकेटेड पर्पज़ है कि जहाँ हम गपशप के लिए तो नहीं ज्वाइन हो रहे, हम तो डेवऑप्स की चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। तो जिस तरह बहुत सारे लोग होते हैं वो ऐसे ही फजूल किस्म की गपशप और इस तरह के, आपने अक्सर देखा होगा कि ईद मुबारक और ये इस तरह की चीज़ें उसमें शेयर करते रहते हैं। काइंडली इस तरह की चीज़ों को आपने अवॉइड करना है क्योंकि हम इस पर्पज़ के लिए नहीं इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट कर रहे। तो यहाँ हमारी जितनी भी डिस्कशन है, हमारा एक छोटा सा मैसेज भी अगर हो तो दैट शुड बी रिलेटेड टू डेवऑप्स। और या तो आप क्वेश्चन पूछें या किसी कोई नई चीज़ अगर आपको पता चली है तो यू कैन शेयर ताकि और लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचे। इस बात का ख्याल रखना। बाकी ये चैनल है, इस चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर लें ताकि, क्योंकि इंशाल्लाह एक दो दिन में मैं जितनी भी हमारी ये वीडियोस अवेलेबल होंगी उनको हम उस पर लॉन्च करेंगे या उसको अपलोड कर देंगे तो दे विल बी एक्सेसिबल टू यू, तो आप इजीली उसको एक्सेस कर सकें। अगर आपने किसी किस्म की चीज़ मिस कर दी है तो आप उसको दोबारा से देख सकते हैं।